हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 1 मार्च 2020 के सीपीसीटी के क्वेश्चन एंड आंसर। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से कौन एक एप्लीकेशन या एक कंप्यूटर डेस्कटॉप स्क्रीन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है? तो ऑप्शन दिए गए हैं विंडोज़ एक्सप्लोरर, आइकन एंड टास्क बार। तो सही आंसर होगा आइकन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर, सीडीरोम सॉफ्टवेयर, अनुप्रयोग प्रक्रिया यानी एप्लीकेशन सामग्री एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और अगला है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है, रोम का पूर्ण रूप क्या है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, रीड वंस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रीड ऑन मेमोरी या रीड अदर मेमोरी। सही आंसर होगा रीड ओनली मेमोरी। SSD का पूर्ण रूप क्या है? सॉलिड स्टेट डिवाइस, स्टोरेज सिस्टम डिवीजन, सिंगल साइडेड डिस्क, स्टैंडर्ड सर्विस डिज़ाइन। सही आंसर होगा सोल्ड स्टेट डिवाइस। SSD का फुल फॉर्म सोल्ड स्टेट डिवाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, प्रिंटर एंड माउस। तो इसमें से बताना है कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। तो सही आंसर होगा प्रिंटर। प्रिंटर इनपुट डिवाइस नहीं है, बाकी आउटपुट डिवाइस हैं। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो इनमें से बताना है कौन सा हार्डवेयर नहीं है, प्रिंटर, मॉनिटर, मैग्नेटिक टेप, एमएस वर्ड चूँकि एक सॉफ्टवेयर है, तो ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न विकल्पों में से कौन सा स्प्रेड सीट का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन दिए गए हैं MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, MS Access। तो MS Excel में हम स्प्रेडशीट का उपयोग करते हैं, तो सही आंसर होगा MS Excel, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेलों में मान सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं सम, सेकंड ऑप्शन है एड, थर्ड ऑप्शन टोटल और फोर्थ ऑप्शन है एवरेज। तो इसका सही आंसर होगा सम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानक लैपटॉप में मानक ऑफिस एप्लीकेशनों के लिए प्रदान किए जाने वाले विशिष्ट हार्ड डिस्क का आकार विशिष्ट रूप से डैस होता है? तो इसका सही आंसर बताना है 256 MB, 256 GB, 256 TB, 256 KB। तो सही ऑप्शन होगा 256 GB। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैस प्रोग्राम एक कंप्यूटर के रोम हिस्से में रहता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा फर्मवेयर। अगला क्वेश्चन है, यदि आपको किसी अन्य व्यक्ति को ईमेल द्वारा मुद्रित पेपर पर दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी भेजनी है, तो आप सॉफ्ट कॉपी बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करेंगे? तो ऑप्शन दिए गए हैं प्लॉटर, स्कैनर, टचपैड, वेबकैम। स्कैनर सही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, PPM के संदर्भ में कौन सा प्रिंटर सबसे तेज है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं डॉट मैट्रिक्स, डेजीबिल, इंकजेट, लेज़र। तो लेज़र इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। एक फाइल प्रबंधक मैनेजर डैश है? तो ऑप्शन दिए गए हैं हार्ड डिस्क, कंप्यूटर प्रोग्राम, IT एक्सपर्ट और पार्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट। तो फाइल प्रबंधक यानी मैनेजर कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एमएस एक्सेल में कौन सा विकल्प एक टेक्स्ट फंक्शन का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शंस हैं सम, एवरेज, फिक्स्ड, काउंट। तो सही ऑप्शन होगा फिक्स्ड। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में A1 7, B1 में 9 होते हैं और C1 में सूत्र इक्वल टू A1 प्लस B1 होता है। तो सेल C1 का फॉर्मूला अब सेल D1 पर कॉपी किया गया है, सेल D1 में कौन सी संख्या प्रदर्शित होगी? तो ये कैलकुलेट करके आएगा 25। सही आंसर होगा 25। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्यूमेंट के पेज की साइज को सेट करने के लिए आप MS Word रिवन में निम्नलिखित में से किस टैब का प्रयोग करेंगे? डॉक्यूमेंट के पेज की साइज को सेट करने के लिए ऑप्शन दिए गए हैं डिज़ाइन, होम, लेआउट, इंसर्ट। चूँकि किसी भी पेज की साइज को सेट करने के लिए लेआउट का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वेबकैम इंटरनेट पर डेस्क के साझाकरण यानी शेयरिंग से संबंधित है?
टेक्स्ट ऑडियो MP3 फाइल्स और वीडियो, तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। वीडियो की साझाकरण शेयरिंग से संबंधित है। www का पूर्ण रूप क्या है? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सभी एग्जाम्स में आता है। वर्ल्ड वाइड वेब इसका सही आंसर है, वर्ल्ड वाइड वेब www। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर में आपको पाइवट टेबल सुविधा मिलेगी? MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, MS Excel। तो सही आंसर है MS Excel। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर फाइलों के बारे में सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है, ये स्टोरेज मीडिया में सहेजी गई डेटा का संग्रह है, प्रत्येक फाइल का एक नाम होता है, फाइलों की सामग्री की सूचना देने के लिए उपयोगकर्ता द्वारा फाइल एक्सटेंशन को परिभाषित किया जाता है, एंड फाइलों में सामान्यतः डेटा होता है। तो सही आंसर होगा, फाइलों की सामग्री की सूचना देने के लिए उपयोगकर्ता द्वारा फाइल एक्सटेंशन को परिभाषित किया जाता है। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब बाइनरी नंबर 0101 और 0011 जोड़ दिए जाते हैं तो परिणाम क्या होगा? तो ये कैलकुलेट करके आएगा 1000, 1000। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, एक नेटवर्क जो बड़े पैमाने पर भौगोलिक क्षेत्र में मौजूद है और विभिन्न छोटे नेटवर्क को जोड़ता है और सुनिश्चित करता है कि एक स्थान पर कंप्यूटर उपयोगकर्ता अन्य स्थानों में कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं के साथ संवाद कर सकते हैं, तो इस नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर होगा वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, और लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है, HTML का पूर्ण रूप क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, बैच फाइल को सहेजने के लिए कौन सी फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? तो सही आंसर होगा बैट। अगला क्वेश्चन है, NEFT सबसे अधिक निकटता से संबंधित है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, इंटरनेट बैंकिंग, ई कॉमर्स, ब्रांच बैंकिंग, पॉइंट ऑफ सेल। तो सही आंसर होगा इंटरनेट बैंकिंग, क्योंकि इंटरनेट बैंकिंग में हम NEFT का उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इस वीडियो का पार्ट 1 था। पार्ट 2 पर जाने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स किसी भी एग्ज़ाम में कंप्यूटर पोर्शन के लिए ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के और भी वीडियोस पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको जल्द प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।